बाबूलाल गौर का जन्म 2 जून 1930 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के नौगीर गांव में हुआ था। वे भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। बाबूलाल गौर सन 1946 से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। उन्होंने दिल्ली और पंजाब राज्यों में आयोजित सत्याग्रहों में भी भाग लिया था। गौर आपातकाल के दौरान 19 माह की जेल भी काट चुके हैं। 1974 में मध्य प्रदेश शासन ने बाबूलाल गौर को गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल होने के कारण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सम्मान प्रदान किया था। बाबूलाल गौर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के अलावा शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में नगरीय प्रशासन एवं विकास, गोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के मंत्री रह चुके हैं। गौर ने बीए और एलएलबी की डिग्रियां प्राप्त की थी। बाबूलाल गौर पहली बार 1974 में भोपाल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जनता समर्थित उम्मीदवार के रूप में निर्दलीय विधायक चुने गए थे। सन 1977 में वे गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े और 2003 तक वहां से लगातार 7 बार विधानसभा चुनाव जीतते रहे। उन्होंने 1993 के विधानसभा चुनाव में 59,666 वोटों से जीतकर रिकॉर्ड बनाया था और 2003 के विधानसभा चुनाव में 64,212 वोटों से जीतकर खुद का रिकॉर्ड भी तोड़ा था। बाबूलाल गौर 10वीं विधानसभा 1993-1998 में भाजपा विधायक दल के मुख्य सचेतक, सभापति, लोकलेखा समिति सदस्य, सरकारी उपक्रम समिति, विशेषाधिकार समिति के सदस्य रहे और संगठन में नगरीय निकाय के प्रभारी के साथ ही प्रदेश महामंत्री भी रहे। बाबूलाल गौर 7 मार्च 1990 से 15 दिसंबर 1992 तक मध्य प्रदेश के स्थानीय शासन, विधि एवं विधायी कार्य, संसदीय कार्य, जनसंपर्क, नगरीय कल्याण, शहरी आवास तथा पुनर्वास एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत मंत्री रहे। वे 4 सितंबर 2002 से 7 सितंबर 2003 तक मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। बाबूलाल गौर को 8 दिसंबर 2003 को नगरीय प्रशासन एवं विकास, विधि एवं विधायी कार्य, आवास एवं पर्यावरण, श्रम एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत मंत्री बनाया गया। उन्हें 2 जून 2004 को गृह, विधि एवं विधायी कार्य तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री बनाया गया था। बाबूलाल गौर 23 अगस्त 2004 से 29 नवंबर 2005 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्हें 4 दिसंबर 2005 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में वाणिज्य, उद्योग, वाणिज्यिक कर, रोजगार, सार्वजनिक उपक्रम तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के मंत्री के रूप में शामिल किया गया और 20 दिसंबर 2008 को उन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में एक बार फिर मंत्री के रूप में शामिल किया गया। पिछले कुछ दिनों से बाबूलाल गौर को तबीयत खराब होने के कारण भोपाल के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कुछ दिनों पहले ही गौर दिल्ली से इलाज करवा कर लौटे थे। 21 अगस्त को सुबह गौर ने इस दुनिया से विदा ले ली। गौर के निधन पर मध्य प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है।